कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। इस वक्त लॉकडाउन है, हमें रिलेबल सोर्सेज से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ इलीगल मूवमेंट हो रही है हमारे फॉरेस्ट एरिया में। तो हमने रात के दौरान जो 17-18 की इंटरवीनिंग नाइट है, इसमें दो नाके लगाए और नाके के दौरान हमने एक गाड़ी और 21 फुट लकड़ी जब्त कर ली, और दूसरा नाका जो हमने लगाया था उसमें हमने एक घोड़ा और 4 फुट लकड़ी जब्त कर ली, क्योंकि नाके के दौरान हमें कुछ कल्प्रिट्स इसमें आइडेंटिफाई हुए, तो उसमें हमने FIR भी लॉन्च किया हुआ है। फर्दर जो गाड़ी का मसला है उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें भी FIR लॉन्च किया जाएगा जब भी उसमें कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो मैं आपके वसादत से लोगों से सिर्फ ये एक अपील करना चाहूँगा कि जंगलों का नुकसान ना करें, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।